डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज ट्रिपल सी एग्जाम 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 9 का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके सभी पार्ट्स आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS-DOS? MS-DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, .exe। ओके, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें स्टूडेंट्स, तो हु नोज अबाउट द गुड्स केप्ट इन द लॉकर? लॉकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है? ओके, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओनली समवन हु हैज द सेम गुड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस कैन मिनिमम जूम? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 5% तक मिनिमम जूम हम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वेबसाइट ऑफ NIELTS? निम्न में से NIELTS की सही वेबसाइट कौन सी है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, www.nielts.government.in। ओके, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज रिकरिंग अकाउंट? आवर्ती जमा खाता रिकरिंग अकाउंट क्या होता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर स्टूडेंट। सम अमाउंट ऑफ सेविंग इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, मतलब हर महीने हम कुछ अमाउंट सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR? QR का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन बेसिक सेविंग अकाउंट? बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कैन ओपन फ्रॉम जीरो RS रुपया, मतलब एक भी रुपया चार्जेस नहीं लगता है, जीरो से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 100 मीटर तक रेंज होता है ब्लूटूथ का अधिकतम रेंज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट इज द यूज बिटवीन लैन एंड लैन? लैन और लैन के बीच क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रिज, ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है, व्हाट इज नेटिक्वेट? नेटिक्वेट क्या है? ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है, व्हाट इज IBM 1403? IBM 1403 क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अ टाइप ऑफ प्रिंटर, अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज फीड फ्रॉम वेबसाइट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रियल सिंपल सिंडिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज APS? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स। APS आधार इनेबल सिस्टम क्या है? ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हम APS से मनी को विथड्रॉ भी कर सकते हैं, कैन डिपॉजिट मनी थ्रू आधार हम जमा भी कर सकते हैं, कैन ट्रांसफर मनी थ्रू आधार, इसका मतलब हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स APS से। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द यूज ऑफ SMTP? ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. सेंड ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर. ओके, सेंड्स ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर का हम यूज करते हैं किसमें, एसएमटीपी में यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर, ओटीपी का क्या अर्थ है. ठीक है, ओटीपी का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. वन टाइम पासवर्ड भी होता है स्टूडेंट्स, बी है इज अ मीडियम फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन भी होता है, सिक्स डिजिट कोड रजिस्ट्रेशन ऑन ईमेल और मोबाइल व्हेन ट्रांसफरिंग मनी, और टी है ऑल ऑफ द अबव. मतलब ओटीपी का अर्थ यही होता है कि वन टाइम पासवर्ड भी आता है, इट मीडियम सिक्योर ट्रांजैक्शंस का एक सिक्योर भी सिक्योरिटी भी है और सिक्स डिजिट का पिन कोड आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क मेजर्ड, निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आरपीएम, आरपीएम में नापी जाती है स्टूडेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीबी ऑफ इंटरनेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीबी ऑफ इंटरनेट, निम्न में से इंटरनेट का सीबी किसे कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इंटरनेट सिटीजन बैंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर. ओके, गाइड मीडिया का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स. क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपको डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप किसके रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो इसके रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेईसी, जेईसी का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जनरल एजुकेशन क्यूरिकुलम. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई वैलेट, निम्न में से एक ई वैलेट क्या है, तो ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर ए है भीम, ऑप्शन नंबर बी है पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी है गूगल पे, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द वैलेट. इसका मतलब भीम भी यूज आई होती है, ई वैलेट यूज करती है, पेटीएम भी ई वैलेट का यूज करता है, और गूगल पे भी आपका ई वैलेट का यूज करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमने चूज किया है. ओके सर, आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट वाज यूज्ड इन फर्स्ट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रथम और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग हुआ था. ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वैक्यूम ट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें स्टूडेंट, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीसीडीआईसी, ईबीसीडीआईसी का पूर्ण रूप क्या है. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल चेंज कोड, इंटरचेंज कोड. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें स्टूडेंट, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज रूम इन पेज जूम इन एक्सेल एंड कैल्क, एक्सेल एंड कैल्क में डिफॉल्ट पेज जूम कितना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 100% डिफॉल्ट जूम रहता है स्टूडेंट्स, चाहे वो एक्सेल हो या वो कैल्क हो. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स, निम्न में से कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मोबाइल फोन. क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ ए फाइल क्रिएटेड इन लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस राइटर में बने फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनटाइटल्ड वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, परमानेंट अकाउंट नंबर. क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 20 है
27 है, which of the following is the protocol to download email in mailbox from server? निम्न में से सर्वर से मेलबॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है, मतलब कौन से प्रोटोकॉल है, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, POP3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें स्टूडेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ इंश्योरेंस? निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वुमेन्स का। ओके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज स्पाइडर? स्पाइडर क्या है? व्हाट इज द स्पाइडर? स्पाइडर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इज अ प्रोग्राम ऑफ सर्च इंजन। ओके क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें स्टूडेंट, तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, CTRL प्लस N का हम यूज करते हैं तो हमें नया प्रोजेक्ट मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, अभी तक अपने मैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट। आप किसी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर आपको लेकर आऊंगा। तो अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।